हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एनटीए नेट साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सो हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी साइन टेस्ट के बारे में, एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइन रैंक टेस्ट के बारे में, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। सो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। साइन रैंक टेस्ट, यहाँ पर हम नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमारा नेक्स्ट नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड है साइन रैंक टेस्ट। सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी साइन टेस्ट के बारे में और यहाँ पर साइन रैंक टेस्ट। तो बिल्कुल ये ध्यान में रखना है कि ये दोनों टेस्ट एक दूसरे से अलग हैं, ये दोनों अलग अलग टेस्ट हैं, अलग अलग जगह पर इनको अप्लाई किया जाता है। सो साइन रैंक टेस्ट क्या होता है, यहाँ पे भी हम दो ग्रुप्स के बीच में अंतर की सार्थकता की जांच यहाँ पर हम करते हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फिर तो साइन टेस्ट में भी हम वही करते हैं, तो फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो साइन टेस्ट की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो वहाँ पर मैंने बताया था कि साइन टेस्ट के द्वारा सिर्फ दिशा का पता चलता है कि जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर साइन रैंक टेस्ट के द्वारा क्या होता है कि दिशा के साथ साथ मात्रा का भी पता चलता है कि कितनी मात्रा में सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो कितना कम है या फिर कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि साइन टेस्ट की कुछ लिमिटेशंस थी जिनको कि कंट्रोल करने के लिए विल्कॉक्सन के द्वारा साइन रैंक टेस्ट को बनाया गया, जिसमें कि उन्होंने साइन टेस्ट के अंतर्गत आने वाली सारी लिमिटेशन को ख़त्म कर दिया। और ये भी एक नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड है, यहाँ पर भी दो ग्रुप्स के बीच में अंतर की सार्थकता की जांच की जाती है। यहाँ पर मैंने इंक्लूड भी लिख करा हुआ है, इस पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। इस अर्थ में यह साइन टेस्ट के समान है, लेकिन साइन टेस्ट में अंतर की दिशा पर विचार किया जाता है और साइन टेस्ट की उपयोगिता यहाँ वहाँ पर सीमित हो जाती है। और इस अर्थ में अगर हम कहें, अगर कंपेयर करते हैं, तो साइन रैंक टेस्ट साइन टेस्ट से बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि साइन रैंक टेस्ट में हमें अंतर की दिशा के साथ साथ मात्रा का भी बिल्कुल ज्ञान होता है, और इसलिए इसको हम साइन रैंक टेस्ट भी कहते हैं, साइन रैंक टेस्ट भी कहा जाता है। साथ ही इसको विल्कॉक्सन ने डेवलप किया था, इसलिए इसको विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट भी हम कह सकते हैं। सो साइन रैंक टेस्ट बस इसी इतना ही है, क्योंकि साइन टेस्ट में ऑलरेडी हम चीज़ें पढ़ चुके हैं, यहाँ पर बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पर दिशा के साथ साथ मात्रा का भी कितनी क्वांटिटी में चेंजेस आ रहे हैं उसका भी यहाँ पर हमें पता चलता है। इस अर्थ में ये साइन टेस्ट से बेटर होता है। सो आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखती हूँ, क्योंकि एक एक वीडियो में हम एक एक टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में अगर मैं दो तीन टेस्ट के बारे में डिस्कस करूँगी तो आई थिंक आप कन्फ्यूज्ड हो सकते हैं, इसलिए एक टेस्ट के लिए हम एक वीडियो पर काम करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, और मैं बता दूँ कि एनटीए नेट साइकोलॉजी के नोट्स अवेलेबल हैं, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं हिंदी और इंग्लिश में। अगर आप में से किन्हीं को रिक्वायरमेंट है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।